अब देखिए यहाँ पर जश्न की बात करते हैं और जश्न की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। जो लोग हैं यहाँ पर वो बिल्कुल ढोल मंगाकर लोग नाच गाकर ये जश्न का नाम लेते ही यहाँ पर ये तस्वीरें आ जाती हैं और यहाँ पर ये मोदी मोदी का नारा है, क्यों लग रहा है आज? चीता चीता है, मोदी जी भी आए हैं। मोदी जी जो हैं वो भारत के शेर हैं, तो चीते आ रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारा शेर आ रहा है, भारत का शेर आ रहा है, इसलिए हम इतने ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत ही खुशी हो रही है मोदी जी के जन्मदिन पर। मोदी जी ने इतना टाइम निकाल के चीते छोड़ने के लिए आए, बहुत ही खुशी हो रही है। चीते छोड़ने के लिए आए, आपको अच्छा लग रहा है कि अपने बर्थडे? बिल्कुल, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ये जो स्पेशल डे, वैसे वो अपना शायद जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र सोपोर और जो वैसे भी पिछड़ा क्षेत्र है, वो आज पूरा एक एक जना वहाँ का मिलके मोदी जी के जन्मदिन को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। शायद वो जी हम सभी भूले, हम सब मिलकर बोलना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, मोदी मोदी मोदी, हैप्पी बर्थडे मोदी, हैप्पी बर्थडे मोदी। अब देखिए, चीते को यहाँ पर लाने की जब योजना बनी थी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता, उन्होंने सोचा था ऐसा, जयराम रमेश ने सोचा था कि मैं चीता लेकर आऊंगा और उसके बाद, लेकिन आया अब, तो फिर भी आप मोदी मोदी कोई भी योजना हो, कांग्रेस यही बोलेगी कि हम लेकर आए थे, तो ये तो कॉमन सी बात है, कांग्रेस बीच में टांग अड़ाती जरूर है, लेकिन आपको लग रहा है कि यही लेकर आए? जो रिजल्ट देता है उसी का नाम होता है। तो अब कितना फलेगा यहाँ पर, आपको लग रहा है कि ये सफल होगा, ये जो लेकर आए हैं और बढ़ेगी? बिल्कुल, ये यहाँ पर सफल होगा क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा और इससे हम लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ गाँव के जो लोग हैं, यहाँ आसपास आप लोग जो रहते हैं, ये आप लोग पर्यावरण की कितनी चिंता करते हैं? पर्यावरण की हमें बहुत, पेड़ भी लगाते हैं, यहाँ की स्वच्छता भी करते हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है, देखभाल करते हैं, हमें बड़ी खुशी है कि चीता आनी चाहिए। अभी चीता मित्र भी यहाँ पर मुझे नजर आए थे, चीता मित्र भी यहाँ पर, कहाँ गए आप भी चीता मित्र है? अरे वो टोपी पहने हुए थे, मुझे लगा सिर्फ वो है। चीता मित्र क्या क्या करेगा? चीता मित्र उनका सहयोग करेंगे, कहीं बंग बन विभाग का, और उनको देखेंगे। सर डर लगेगा, चीता इतना पास में आप लोगों के इलाके के रह रहा है जी? मैडम बिल्कुल डर तो लगता है, हम जंगल का डर लगेगा इन चीजों में, शुरू से हमारे बाप दादा भी जंगल में रहते आए हैं, ये तो चीता शेरों के सामने भी घूमते फिरते रहते हैं, भैंस चराते तब चीता शेर मिलते तब को डर नहीं लगता, अभी तो चीता है कैसे इनसे बचा जाता है, कैसे बताते हैं वो, क्या बताते हैं? ये बताते हैं अगर जानवर तुमको मिल जाए तो या तो वो तुम्हें देख ले तो उससे नजर नहीं हटाना और धीरे धीरे पीछे अपने पैर खिसका के उससे एकदम दूर हो जाना और हल्ला करना और आग हो तो आग जला लेना, एकदम से अगर जाएंगे तो हमला कर सकता है, एकदम अगर जाएंगे उसके पास तो हमला कर देगा। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया जानकारियां आपको मिल रही हैं। अब यहाँ पर जब 2 महीने बाद ये पार्क खुलेगा चीतों को देखने के लिए, बाकी चीजों के लिए अभी भी खुला है, बाकी और भी यहाँ पर वन्य जीव है, एक 2018 से ये एक नेशनल रिजर्व है, तो उसके बाद आप आएंगे तो आपको ये भी लोग मिलेंगे और ये सब आपको अच्छी अच्छी कहानियां भी वो सुनाएंगे।